अब शुरू करते हैं। ये डिस्कशन जो था उसको पहले करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 पहले करें डिस्कस। हेलो यस सर, आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन है। सेट ए जो है उसमें 1 से n तक एलिमेंट है, बी और सी सबसेट ऑफ ए है, ठीक है ना। अब कर रहा है पॉइंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सेट्स बी एंड सी। इसका मतलब क्या हुआ, बी एंड सी दोनों हमें सिलेक्ट करना है। तो देखो करते क्या है, कोई भी एलिमेंट एक्स लेंगे और ये सेट ए को अगर बिलोंग करता है तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये बी और सी में जाए और सी में ना हो। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये बी में ना हो और सी में हो, ये ना ही बी में है ना ही सी में है, ठीक है। तो ये किसी एलिमेंट का चार पॉसिबिलिटी होता है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये आवाज किसका आ रहा, म्यूट करो तो अपना, आप सब म्यूट कर दीजिए सर, हमें म्यूट कर दे, जिसको कुछ बोलना हो म्यूट कर। किसी को कुछ बोलना रहेगा तो बोलियो फिर अनम्यूट करके, साउंड बहुत ज्यादा आ रहा था। किसी एलिमेंट के पास चार पॉसिबिलिटी होता है, अगर वो एलिमेंट सेट ए में है और ए का ही सबसेट बी और सी है तो वो एलिमेंट या तो दोनों में जाएगा, बी में है लेकिन सी में नहीं जाए, बी में नहीं जाए और सी में जाए, या दोनों में से किसी में नहीं जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने पॉसिबिलिटी हुए सेट बी एंड सी के लिए, ये चार पॉसिबिलिटीज है। तो इसका जो पहला पार्ट बनेगा, चार पॉसिबिलिटी है और एन एलिमेंट है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी 4n हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट का पॉसिबिलिटी चार है। एक आध लोग तो अनम्यूट करके बोलो दे। हेलो यस सर। और जिसका नॉइज आएगा ना वो लोग कर रहे ना अपना ऑडियो, एक से जो नॉइज हो जाएगा। तो पहला समझ में आ गया सर। अब दूसरा है ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5। तो ये इनमें से कौन सा केस है बता सकते हो, चार पॉसिबिलिटीज था इनमें से कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, बी इंटरसेक्शन सी 5 मतलब ये चौथा वाला केस नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होगा, तीसरा भी होगा दूसरा भी होगा, पहला नहीं होगा, पहला पॉसिबिलिटी में कॉमन है एक्स, तो हमें कॉमन नहीं रखना है। तो इसका मतलब दूसरा तीसरा चौथा तीन पॉसिबिलिटी है सबका। तो अगर तीन पॉसिबिलिटीज है, 1 नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी बचा क्या, तीन तो बचा, दूसरा तीसरा और चौथा। सो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, क्लियर है। yes, sir. अब हम तीसरा में चलते हैं। इस तरह से जब हम लेते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, लेकिन तीसरा में सेम सिचुएशन का अनऑर्डर्ड पेयर है। तो अनऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड पेयर में क्या अंतर है, जैसे कि ए बी है और बी ए है,
ए बी और बी ए अगर हम दोनों लेंगे तो मेरे को ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाया। अगर इसमें से सिर्फ ए बी लिए और बी ए नहीं लिया गया तो ये अनऑर्डर्ड पेयर हुआ। इसका मतलब हमें हाफ करना होगा, लेकिन ये 3n ऑड है और ऑड नंबर का हाफ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसमें एक ऐड करके फिर करना होता है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड हमें निकालना है, अनऑर्डर्ड पेयर निकालना है तो इसमें ऑड प्लस 1/2 करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगला केस क्या है? हमें ऑर्डर्ड पेयर बी एंड सी का चाहिए जिसमें बी यूनियन सी ए आ जाए और बी इंटरसेक्शन सी फाई रहे। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन करके हमें ए आ जाना चाहिए लेकिन कॉमन नहीं होने पाए, तो इसमें अगर हम बी के पास और है इसमें हम यहां पर पूरा सेट ए लेना होगा, हमें बी के पास एनी वन लेंगे तो यहां पर रेस्ट लेंगे, तो ये भी एक तरीके से हुआ, ये भी एक तरीके से हुआ। नन हम तरीके से होगा। अगर बी के पास एनी टू लेते हैं तो सी में क्या होगा? रेस्ट, ताकि दोनों का यूनियन मेरे को ए हो जाए। एनी टू कितने तरीके से लेंगे? एनसी टू। तो इस प्रकार से टोटल जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1+NC1+NC2+NC3 होगा और ये 2n हो गया। ठीक है, पांचवा में क्या हमारा है? सेम सिचुएशंस को अनऑर्डर्ड पेयर है तो ये इवेन नंबर है ना, तो इवेन का तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड पेयर हम निकाल लेंगे। अनऑर्डर्ड पेयर सीधा हो जाएगा 2n/2। ठीक है, एक और था इसमें, ऑर्डर्ड पेयर बी एंड सी सच दैट बी एंड सी इज सिंगल्टन। सिंगल्टन में कितने एलिमेंट होते हैं? एक। अरे किसी का म्यूजिक आया, बंद करो। सिंगल्टन में कितने एलिमेंट होते हैं? एक होते हैं। सिंगल्टन सेट किसको कहते हैं? ओनली वन एलिमेंट, तो वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, तो ये एन सी वन तरीके से लेंगे तो एक एलिमेंट कॉमन हो गया। ठीक है, एक एलिमेंट कॉमन हो गया तो अब बचा कितना? रेस्ट कितने एलिमेंट है? n-1 एलिमेंट। रेस्ट हम लोग के पास कितना एलिमेंट बचा? रेस्ट n-1 एलिमेंट हो गया ना, तो ये n-1 एलिमेंट को अब हम ऐसे करते हैं कि इनमें कोई कॉमन नहीं हो। जब इनमें कोई कॉमन नहीं होगा तो फाइनली कॉमन कितने बच जाएंगे? सिर्फ ये वाला। और कोई कॉमन नहीं हो, ऐसा कितना केस आया था? दूसरा तीसरा चौथा, यही तीनों केस थे जब कोई कॉमन नहीं होगा। समझ गए? तो इस तरह से यहां पर बनेगा टोटल, एक कॉमन होने के लिए NC1 और बाकी कोई कॉमन नहीं हो, ये हो गया 3n-1। इसका बताओ, ये समझ में आया? बी इंटरसेक्शन सी इज सिंगल्टन, तो कोई एक एलिमेंट तो कॉमन होगा उसमें, वो जो कॉमन होगा वो ये NC1 है और रेस्ट जो कोई कॉमन नहीं है वो 3n-1। कोई दिक्कत इसमें? हेलो,
क्लियर है? चलो अब आगे बस ठीक है, ये सेक्शन बी में करते हैं। बी वन हो गया? यस सर। हेलो बी वन क्लियर है सबको? नहीं सुनाई दे रहा? अब ये बताओ बी टू में कोई पूछना है? बी टू का फोर्थ एट लीस्ट टू लेटर आर सिलेक्टेड, से कम दो सिलेक्ट होना चाहिए, तो कम से कम दो में क्या करेंगे? नो को हटा देंगे और वन को हटा देंगे, तो एग्जैक्टली वन यहाँ निकाले होंगे थर्ड में। एग्जैक्टली वन में देखो तुम्हारे पास कितने लेटर हैं? छह लेटर है ना? ओनली वन छह हो गया, नन तुम्हारा एक हो गया, तो नन और ओनली वन दो ठो हटा लेना है। बी टू के फोर में ऑल माइनस थ्री का फर्स्ट, बी टू का फर्स्ट तो यही हो गया रे, नो रेस्ट्रिक्शन ऑल वाला। कैसे वाले टू का खत्म सर? बताए थे ना आइडेंटिकल वाला में P प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन वाला, याद आ रहा? P प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। ऑल पॉसिबिलिटी में एक कितना है? चार है ना? चार तो है, तो चार प्लस वन कितना होगा? पांच होगा। P है दो ठो, तो इसके लिए तीन हो जाएगा। P है तीन ठो, इसके लिए लेटर्स ए एंड बी आर सिलेक्टेड एट लीस्ट वंस। तो इसमें एट लीस्ट वन में ए को कम से कम एक बार लेंगे, तो चार को है ना, ए चार ठो है ना बाबू? Yes, तो उसमें कोई एक जरूर लेना है, तो जो जीरो वाला केस था वो हटा देंगे। इसी प्रकार से बी को भी कम से कम एक लेना है, तो दो है तो दो लिखा जाएगा। तो ए का रेस्ट्रिक्शन था, बी का रेस्ट्रिक्शन था, वो हमने कंप्लीट किया। बाकी लेटर पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो सी के लिए कितना लिखा जाए? Four. फोर। और डी एफ के लिए दो का पावर तीन, ये है ए के लिए और ये हो गया बी के लिए। समझ गए? ये कितना हुआ टोटल? 256। क्या एक लिए, दो लिए, तीन लिए, चार लिए, कितने तरीके हुए? चार तरीके हुए ना, तो इसलिए ये चार जो है। यस। और इसमें कुछ बी वन का थर्ड सर? बी वन का थर्ड फर्स्ट बोल रहे हो? थर्ड सर, थर्ड थ्री इवन का थर्ड। फैक्टर्स में सबसे पहले बताओ इवन में 24,500 है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? टू का पावर टू, टू का पावर टू, फाइव का पावर थ्री, सेवन स्क्वायर है ना? कितने प्राइम फैक्टर है इसमें? प्राइम फैक्टर्स कितने हुए? दो, पांच, सात, तीन थो ना? दो। आंसर हो जाएगा टू का पावर एन माइनस वन के हिसाब से, टू स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या था? टू का पावर एन माइनस वन के
यस बी वन और बी वन बी टू में कोई बी वन बी टू मौत है कोई दो सर बी टू थ्री सर बी थ्री है यस सर पॉइंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन वॉवेल वॉवेल कितने हैं दो दो आई और ये दो वॉवेल है एटलीस्ट वन वॉवेल में क्या करोगे दो वॉवेल है और दोनों डिफरेंट है ना यस सर तो टू सी वन प्लस टू सी टू क्या वॉवेल के लिए ये हो गया ना भाई के लिए अब कॉन्सोनेंट कितने हैं चार चार है उनमें से एक लेना है तो फोर सी वन प्लस फोर सी टू सी थ्री प्लस फोर सी फोर तो ये कितना हो गया टू स्क्वायर माइनस वन और ये हो गया टू का पावर फोर माइनस जीरो से एन तक का समेशन क्या था टू का पावर एन था ना यस सर तो इस तरह से चार में से एक गया तीन और सोलह में से एक गया पंद्रह तो ये हमारा फोर्टी फाइव हो गया पैतालीस क्लियर है यस सर अब आप लो बी फोर बन गया सर सेकेंड यस सर हाँ ठीक है तो बी फोर में करेंगे पहले फैक्टराइजेशन बताओ 19 का पावर 2 2 का पावर 2 2 हां 3 का पावर 2 3 का पावर 2 5 का पावर 1 5 5 का पावर 1 11 का पावर 1 का पावर 1 तो इसमें देखो सेकंड बोल रहे हो तुम लोग हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई फोर बट नॉट बाई 15 तो एक नियम था एन ए माइनस बी ए में एलिमेंट है लेकिन बी में नहीं है समझ में आ रहा ए में है लेकिन बी में नहीं है क्या ये क्वेश्चन ऐसा ही है डिविजिबल बाई फोर बट नॉट बाई 15 क्या ये ऐसा क्वेश्चन है Yes, तो देखो इसको इक्विवेलेंट हम लोग एन ए माइनस एन ए इक्वल बी से कर सकते हैं इसका तुम अगर देखो अगर बबल डायग्राम बनाते हो ए माइनस बी का तो वो ये बनता है पूरा ए और इसमें ए इंटरसेक्शन को हटा लेंगे समझ गए तो अब हमारे पास चार का लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन कितना हुआ 4 एंड 15 का मतलब क्या हुआ ये बताओ इनका एलसीएम 60 होगा हाँ तो अब चार से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए ये पूरा आ जाएगा चार से डिविजिबल में ये मस्ट है यहाँ ऑल हो गया है ना इनका ऑल पॉसिबिलिटीज तो 3 का पावर 2 है वो 3 बार आएगा 2 प्लस 1 ये एक एक बार है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया कोई दिक्कत चार वाला क्लियर है 60 का कैसे बनेगा 4 गुने 3 गुने 5 समझ गए तो अब रेस्ट इसके पास क्या बचा चार तीन पांच लेने के बाद रेस्ट बचा कितना है 3 का पावर 1 है मेरे पास और 11 का पावर 1 बचा हुआ है एक. है और यहाँ जो 4 कॉमन लिए थे तो 4 के बाद रेस्ट में हमारे पास क्या बचा था 3 स्क्वायर 5 का पावर 1 11 का पावर 1 यही ना बचा था तो 60 के कितना होगा दोनों डिफरेंट है पावर 1 है कितना होगा 2 स्क्वायर तो ये हो गया 3 चौको 12 माइनस 4 8 कोई दिक्कत ठीक है अब आगे बढ़ते हैं
सेक्शन बी तो कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी, सेक्शन सी में सी वन, अरे ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा, सी वन, हो गया सर, सी वन हो गया, सी टू हो गया, सी थ्री, सी थ्री है, persons including A, B, C are seated on a circular table. How many arrangements are possible if B is always between A and C? तो B is always between A and C, तो हम लोग क्या करेंगे ये देखो, एक सर्कुलर टेबल लेते हैं, यहाँ पर A यहाँ पर रखेंगे, C यहाँ पर और B यहाँ पर, एक ये हो सकता है और इन दोनों का इंटरचेंज हो सकता है कि नहीं ये बताओ। वीडियो पॉज हो गया सर, पॉज हो गया, वीडियो चल रहा कि नहीं अभी, अब ठीक है सर, चल रहा है, अब ठीक है, ठीक है। बी हमारा बीच में है, ए और सी इंटरचेंज कर सकता है, ए और सी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तभी बी इज ऑलवेज बिटवीन ए एंड सी रहेगा। इसको एक ग्रुप मानेंगे, ठीक है, इसको एक ग्रुप मानेंगे, और इसके अलावा रेस्ट हमारे पास कितने हैं, चार ठो और हैं, तो ये मिला के पांच हुए कि नहीं, तो इन पांच को सर्कल में कैसे बिठाओगे बताओ, वो तो चार फैक्टोरियल से सर्कल में बैठेगा, चार फैक्टोरियल से सर्कल में बैठा, अब चार फैक्टोरियल से सर्कल में बैठा तो ए और सी आपस में अरेंज करेंगे, तो वो दो फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, यस सर, समझ गए, यस सर, तो ये हो गया कितना, 24 गुने दो 48, कोई दिक्कत, सी थ्री क्लियर है, यस सर, ठीक है, तो आगे बढ़े, यस सर, सी फोर, यस सर, सी फोर पूछना है, पूछना है, तो इसमें चार ठो प्लस है, क्या ये चारों एक जैसे हैं, फोर फैक्टोरियल, और पांच माइनस है, ये भी एक जैसे हैं, इन्हें सर्कल में अरेंज करने नो टू प्लस साइन टुगेदर, कोई भी दो प्लस साइन टुगेदर नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जब ऐसा क्वेश्चन बनाते थे तो हम लोग गैप थ्योरी से बनाते थे, और गैप कौन क्रिएट करता था, जिनको सेपरेट होना है वो नहीं, जो कर रहा है सेपरेट उसको, तो प्लस के अलावा कौन है, माइनस है, पहले माइनस को सर्कल में बिठाओगे तो पांचों माइनस एक ही जैसा है, तो सर्कल में कितने तरह से बिठा सकते हो, एक माइनस यहाँ पे लिखोगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, बताओ, चूंकि पांचों माइनस एक प्रकार से है तो ये कितना तरीका होगा, एक या फैक्टोरियल फोर, वन तरीका होगा, तो फाइव माइनस साइन इन सर्कल वन वे, एक तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, अब इसमें चार ठो प्लस बिठाना, और वो चारों भी हमारे सेम है, गैप कितने बने ये पहले बताओ, एक दो तीन चार पांच, पांच गैप तो हो गए है ना, और फोर है हमारा प्लस साइन, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, ठीक है, मेरा ये वाला एक जगह खाली है, yes, अगर हम इस प्लस को यहाँ पे लिखते, इस प्लस को यहाँ पे लिखते तो ये जगह खाली हो जाता, तो क्या तरीका बदल जाता, ये दोनों सेम है, सेम है सर,
सेम है, तो ये वन वे होगा, ठीक है, वन वे ओनली, क्योंकि किसी भी प्रकार से कर रहे हैं एक ही तरीका हो रहा है, ठीक है। रनिंग टाइम दिखा रहा है, कितना टाइम बचा है अब? 9 मिनट तक तो अभी होगा, अब करते हैं। C5 सर, अरे C5 हम थ्योरी में बता दिया है ना, हेलो सर बन गया, हो गया क्या? यस सर हो गया, हो गया। C6 हो गया सर, C6 भी तो थ्योरी में बताए थे, ये दोनों और एक ये C8, 5, 6, 8 ये तीनों हम थ्योरी में उठा लिए हैं। 7 का बताओ, ये थ्योरी में नहीं हुआ है, 7 का क्या करना है? 7 बताए, 7 का कौन सारा बताना है या कोई एक? कितना चौक सारे बताने हैं? फर्स्ट किसी को पूछना है C7 का फर्स्ट? यस सर पूछना, ठीक है। तो होल नंबर है, ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से होता है शुरू, तो जीरो से जब चालू होता है तो इसमें एक्स वाई जेड डब्लू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, जीरो से बोले ना स्टार्ट होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारा कितना सोल्यूशन होगा? 20 प्लस ये 4 - 1 C, 4 - 1 23 C3 नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, समझ में आया? इसका थ्योरी दिए थे आइडेंटिकल वाला में, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी है किसी को, थर्ड किसी को? थर्ड वाई, हाँ ये 1 से 10 तक है, तो देखो थर्ड में 1 to 10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ पावर ये कितना है, 20 है इन, दिख नहीं रहा है यार, नहीं दिख रहा, हेलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है, बार बार ब्लर हो जाता है, हो जा रहा है। आपका नेटवर्क तो सबको ब्लर ही हो जा रहा है? नो सर, ठीक आ रहा है सर। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 20 इन, तो ये 1 से 10 था, तो x के हो एक बार लेंगे, दो बार लेंगे, इस तरह से 10 तक ले सकते हैं, ठीक है। y वाला भी 1 से 10 तक लेंगे तो ऐसा ही रहेगा, z का भी 1 से 10 है, w का भी 1 से 10 है, तो चारों एक जैसा होने के कारण पावर 4 देंगे। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 इन x इनटू 1 माइनस x का पावर 10 बाई 1 माइनस x का पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 इन, देखो x का पावर 4 अगर यहां से हटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 16 बचेगा, यहां पर है 1 माइनस x का पावर 10 का पावर 4
इंटू वन माइनस एक्स का पावर माइनस फोर, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, हमें 16 चाहिए तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, 10 ही तक जाएंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे का पावर इसलिए नहीं लिखे चूंकि वो 16 से आगे चल रहा है। अब देखो, 1 इंटू करेंगे तो यहाँ x का पावर 0 है, मतलब 16 पावर हमको ये वाला देगा। यहां से 16 पावर जब बनाएंगे तो 16 प्लस 3 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ये 0 पावर है तो सारा 16 पावर इससे जा रहा है, तो 16 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। अब जब अगला टर्म है x का पावर 10, तो x का पावर 10 है तो 10 यहां से हटा लेंगे तो कितना बचा? 6 बचा, और 6 पावर हमको इस टर्म से आएगा तो वो 6 प्लस माइनस 1 सी को 19 सी 3 माइनस 4 इंटू 9 सी 3, ठीक है। अब बताओ और कौन सा चौथा भी है? यस सर। चौथा में क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड नेचुरल नंबर्स में क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर्स में क्या आएंगे बता सकते हो? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो कितना भी आ सकता है रे? यस सर। सारे ऑड है इसलिए सारे एक जैसे कहलाएंगे, तो पावर फिर से फोर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसी को खाली सॉल्व कर देना है तुम्हें। कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर 20 इन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 4। अब x का पावर 4 अगर यहां से हटा देंगे तो इसका पावर बचा कितना? 16, और ये ऊपर गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 4। अब देखो यहाँ वेरिएबल x नहीं है, x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का पावर 8, ठीक है। हमें इस वेरिएबल का पावर 8 है तो यहाँ से 8 बार में आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस माइनस 1 4 माइनस 1 मतलब 11 सी। तो ये हमारा आइडेंटिकल वाला चीज है, ठीक है। सी 8 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, C8 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब सेक्शन डी में भी कुछ पूछना होगा। D1 पूछना है, D1 बन गया, D2 बन गया है, D3 बना, E4 E7 बना, D8 D8 पूछना है, हेलो, D8 पूछना है? नो सर।